हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फो इंडिया। इस समय बज रहे हैं रात के 12:30 और मुझे अभी टाइम मिला है आपके लिए HTML5 का ट्यूटोरियल बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी इन दिनों एक सक्सेसफुल सीनियर डिज़ाइनर हूँ यूज़र इंटरफेस। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते कि भाई तूने ये कैसे किया, तूने क्या क्लासेस लगाए, कहाँ पे पढ़ा। तो मैंने क्लासेस तो लगाई और मैंने इंटरनेट पे भी बहुत सारा ट्यूटोरियल्स वगैरह देखा। तो आप जब भी 10 ट्यूटोरियल देखते हो तभी आपको पता चलता है कि मुझे वेब डिज़ाइन में, वेब डेवलपमेंट में क्या सीखना है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। तो आज मैं आपको एकदम जो मेन है, बेसिक कोर, जो आपको वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज सीखना पड़ता है उसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो हमारा वेबसाइट बनता है, फ्रंट एंड बनता है HTML5 में। तो HTML5 क्या है और HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। और रिसेंटली मैंने अपना वेबसाइट भी मींस लॉन्च कर रहा हूँ ताकि फिर हम बाद में मींस वहाँ पे वेबसाइट पे कोड्स या ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर कर सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट का डोमेन है infoindia.us या आप बोल सकते हैं infoindia.us। तो यूएस ही बोलिए। अच्छा है, बस मैंने ऐसे ही कुछ भी बक दिया है फालतू सा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं, आप छोटा छोटा वीडियो ट्यूटोरियल्स बना के आपको समझाऊंगा ताकि आप बोर ना हो और आपको एकदम बाउंसर ना जाए जो एकदम फ्रेशर स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। तो देखिए HTML5 क्या होता है। HTML5 का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही यहाँ पे कॉपी करके रखा है। तो सबसे पहले HTML5 में जो आप डिफाइन करते तो आपको डॉक टाइप HTML ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये डॉक टाइप HTML, देन फिर आपका HTML टैग यहाँ से शुरू होगा। और ये टैग देखो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रहा है, ये टैग आपका यहाँ पे नीचे ख़त्म होता है। मैं आपको छोटा करके बताता हूँ, दिख रहा है ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे देखो ख़त्म हो रहा है ये नीचे 42 लाइन पे और स्टार्ट हो रहा है नंबर 2 से। हाँ, और सबसे मेन HTML5 या वेबसाइट आप डेवलप करते हो, आपको कोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर लगता है तो आप नेट पे जाइए, सबलाइम टेक्स्ट फॉर विंडोज़ करके है, वो फ्री वर्जन है उसका, वो डाउनलोड कीजिए। और बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, ये मैक और विंडोज़ दोनों में काम करता है। और इसके इसमें कुछ प्लगइन्स वगैरह भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं तो जिससे आपको लाइन्स वगैरह कॉपी करने को बहुत ईजी पड़ता है। तो ये देखिए मैं अभी ये टाइटल है ना ये कॉपी कर रहा हूँ। टाइटल मीन्स क्या है, अपने वेबसाइट का टाइटल रहेगा। तो ये टाइटल में देखो मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया है, कंट्रोल शिफ्ट डी था तो कंट्रोल डी से मैं ये टाइटल को मैंने कॉपी किया और फिर एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में लिया। तो सिलेक्ट करना है, बाद में कंट्रोल और डी दबाना है तो ये कॉपी हो जाता है। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करके मैंने पुरानी स्टेट में लेके आया। तो एक्चुअल में आपका HTML5 का जो डॉक्यूमेंट रहेगा ये अभी सब मैं अंदर का मिटा देता हूँ, ये मैं अभी आपको आगे बता ही नहीं वाला हूँ। लेकिन ये जो है देखिए ये सब H1 H2 और ये सब न्यू एलिमेंट्स इन HTML5, ये मैं कट करके आपको सिंपल HTML का स्ट्रक्चर कैसे रहता है जो हमारा प्लेन मीन जिसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। अभी देखो इसके बॉडी टैग के अंदर ये सब लिखा हुआ है, H1 लिखा है, दिस इज हेडिंग, फिर H2 इंट्रोडक्शन लेक्चर, फिर दिस इज पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब एकदम आपका नॉर्मल पैराग्राफ, छोटा फॉन्ट आता है 14 पिक्सल का। तो चलो ये सब मैं मिटा रहा हूँ और आपको एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ HTML डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है HTML5 का, ठीक है। ये है आपका बॉडी, बॉडी में अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर ये है आपका हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन के बाद आपका ये नॉर्मल आपका HTML ऐसे दिखेगा। और HTML ट्यूटोरियल, HTML का मैं वीडियो ट्यूटोरियल इसके लिए बना रहा हूँ कि आप वेबसाइट से भी HTML5 सीख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, W3 School करके साइड है, वहाँ पे आपको HTML5 बूटस्ट्रैप वगैरह सब सीखने मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि हर किसी को मीन्स सिर्फ वेबसाइट पे देख के फटाक से पता नहीं चलता। देखो अभी W3C पे भी ये लोग ने दिया हुआ है, मैंने निकाल के रखा है ये कि व्हाट इज HTML5, डॉक टाइप वगैरह, फिर यहाँ पे लिंक भी दिया है इन्होंने W3C का। तो मैं आपको वीडियो में जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे भी जाके पढ़ो, सिर्फ मेरा वीडियो ट्यूटोरियल मत देखो क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है ट्यूटोरियल में मेरे से। शॉर्ट में मैं आपको एक अच्छा वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर कैसे बनाऊँ वो मैं कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा डेवलपर कैसे बनाऊँ वो मैं सिखाऊंगा।
लेकिन आपको बाकी भी सब पार्ट कवर करना है, तो फॉर्मेटिंग, कोटेशंस वगैरह क्या क्या है इसमें, फिर जावा स्क्रिप्ट वगैरह कैसा छोटा मोटा ऐड करना है, बेसिक्स, बहुत हाई लेवल का नहीं है इसमें, लेकिन कुछ प्रिंट करना वो सब है जावा स्क्रिप्ट वगैरह। फिर रिस्पॉन्सिव क्या है वो भी मैं आगे इसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है और इसमें भी आपको थोड़ा सा मैं कोडिंग का सिखाऊंगा ताकि आप एकदम बोर ना हो जाए। आप लोग बोलेंगे कि सिर्फ ये मीन्स लेक्चर ही दिए जा रहा है, लेक्चर ही दिए जा रहा है, तो आप बोर ना, इसके लिए मैं आपको पैराग्राफ और स्टेटमेंट प्रिंट करने दिखाऊंगा ये सब। तो चलो चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो HTML का स्ट्रक्चर इन्होंने भी ऐसे ही दिया है, डॉक टाइप HTML, देन फिर हेड आता है, फिर मेटा कैरे सेट आता है आपका, मेटा कैरे सेट के बाद में आपका टाइटल आता है जो पेज का, ये जो टाइटल है ना वो ये है, देखो मेरा होम यहाँ पे है टाइटल, फिर यूट्यूब का इधर है इन्फो इंडिया यूट्यूब है, फिर यहाँ पे HTML5 इंट्रोडक्शन है, ये टाइटल है पेज टाइटल। तो आप यहाँ पे पेज टाइटल चेंज करोगे ना तो आपका इधर ब्राउजर में ये होम वो है वो चेंज हो जाएगा, या आपने समझो टाइटल का नाम दिया इन्फो इंडिया तो ये इन्फो इंडिया हो जाएगा ऐसा। तो वो हम लोग ये पेज हम लोग ब्राउजर में प्रिंट करके देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बॉडी के अंदर कुछ टाइप करके बता दूँ वो आप देख लीजिए। तो ये मैंने बॉडी में कुछ टाइप किया है, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ये न्यू HTML5 एलिमेंट्स कंट्रोल एक्स, और ये मैं पेज अभी सेव नहीं है, ये पेज मैं अभी सेव करने जा रहा हूँ, ये मैं सेव कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप में नहीं, डेस्कटॉप HTML5 ट्यूटोरियल्स लेक्चर 1, देन index.html, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है सेव एज टाइप इन HTML रहना चाहिए, यहाँ पे HTML ASP वगैरह भी है, आपको क्या रखना है HTML STM SHTML XHTML ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर index.html या default.html भी लिखते हैं, तो फिर आपका वो पेज है ना पहले लोड हो जाता है, आप इंडेक्स अबाउट होम डॉट HTML ऐसे अलग अलग एक्सटेंशन देके आपके वेबसाइट में मीन्स आपके सी पैनल में अपलोड कर सकते हो जब भी आप होस्ट करते हो तभी, लेकिन हमारा इंडेक्स पेज जो है ना वो कभी भी पहले लोड होता है हमारे वेबसाइट में। तो index.html में सेव कर रहा हूँ, आपको भी वही करना है, लेक्चर 1 फोल्डर में मैंने सेव किया। फिर अभी चलो मैं इसको इसका प्रीव्यू देखता हूँ फोल्डर में आके, देखो ये इंडेक्स वाला पेज अभी सेव हो चुका है, ठीक है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट बता रहा है ये, सॉरी अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कैसे दिख रहा है, दिस इज हेडिंग, ये H1 में है, फिर HTML5 इंट्रोडक्शन लेक्चर, देन दिस इज पैराग्राफ, ये आपका पैराग्राफ है 14 पिक्सल के छोटे फॉन्ट में। तो हम लोग ये सब कैसे देखेंगे कि ये अभी H2 में है ये H1 में है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है, या तो सिलेक्ट नहीं किया तो भी चलेगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट मारना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको क्लिक करना है, जैसे राइट क्लिक करके तो आपका ये एलिमेंट इंस्पेक्टर ओपन हो जाता है। तो मैं क्लोज कर रहा हूँ, वापस आपको बता दो आप कॉपी पेस्ट कैसे करते हो नॉर्मल, वैसे आपको राइट क्लिक करना है, बाद में इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद ही आपका इंस्पेक्टर ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ से एरो से सिलेक्ट करोगे और फिर चेक करोगे कि ये क्या है, मैंने बॉडी में क्या लिखा था, ये H1 है, तो हाँ ये यहाँ पे H1 में ही है, दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, फिर ये H2 में है HTML5 इंट्रोडक्शन लेक्चर, और ये पैराग्राफ में। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं जा रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट में वापस, और सबलाइम टेक्स्ट में H1 वगैरह है, अभी हम लोग इसको कलर करेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार भी होना चाहिए ना, इसके लिए मैं आपको अभी CSS अप्लाई करना भी दिखा रहा हूँ। CSS हम लोग पहले इंस्पेक्टर में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको ईजी पड़ेगा, ये H1 है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह सब लिखा है, ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट है, तो इसमें मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे सीधा कलर में यहाँ पे दे दूंगा। हाँ बैकग्राउंड कलर एक होता है जो बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा, और अगर मैं सिर्फ कलर लिखूंगा ना तो फॉन्ट को कलर आ जाएगा। तो चलो पहले बैकग्राउंड कलर देख के बताता हूँ आपको, तो बैकग्राउंड BACKGROUND, बैकग्राउंड क्या करूँ, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू आ गया बैकग्राउंड, तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, ये हुआ हमारे टेक्स्ट का बैकग्राउंड HTML5 में। और अभी समझो मुझे ये H2 है,
इसको अभी मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसको हम रेड कलर दे देते हैं। चलो तो मैं क्या करूँगा, ये वापस इंस्पेक्टर से इसको इंस्पेक्ट मैंने किया तो इस पे चला गया, फिर ये एलिमेंट स्टाइल में मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ये अभी सिर्फ आपका टेम्पररी चेंज हो रहा है ना, तो मैं इसको बैकग्राउंड कर लेने, अभी हमको फॉन्ट कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ कलर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा सीएसएस का। ये है प्रॉपर्टी और दूसरा वैल्यू है, ये देखो सीओ वैल्यू हर कलर आ गया। फिर इसका वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू जो रेड लिखेंगे हम, तो ये रेड इसका वैल्यू हो गया। तो जब भी हम लोग HTML के एलिमेंट्स को मीन्स H1 H2 पैराग्राफ या डिव को भी स्टाइलिंग करते हैं, तो स्टाइल का सिंटेक्स ऐसा होता है कि स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू। वो मैं अभी आपको ये ना मैंने टेम्पररी ब्राउजर में किया है, अभी मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो ये चला जाएगा, ये आपके इस डॉक्यूमेंट में सेव नहीं हुआ। तो आज मैं आपको ना पहले लेक्चर में इनलाइन स्टाइलिंग सिखाता हूँ तो आपको अच्छा पड़ेगा। तो ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कलर रेड, ठीक है। और अभी देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये पूरा चला गया। अभी दिख रहा है कि H2 को यहाँ पे कलर रेड नहीं, वो टेम्पररी था, आप रिफ्रेश दबाओगे तो चला जाएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे H2 में जा रहा हूँ और फिर स्टाइल इज इक्वल टू मैंने क्या कहा था प्रॉपर्टी वैल्यू, तो STY स्टाइल आ गया। यहाँ पे सबलाइन में ये ऑटो आता है, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर आपको ऐसे कोट्स देने, डबल कोट्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या था अपना, अपने को फॉन्ट को कलर देना, तो COLOR कलर, फिर कोलन कलर रेड, ठीक है। इसको कलर मैंने रेड दे दिया, HTML5 इंट्रोडक्शन के फॉन्ट को कलर मैंने रेड दिया, और इसका जो हेडिंग है इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर कैसे है, स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू। दोस्तों ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखना, ठीक है, क्योंकि ये इनलाइन स्टाइलिंग के लिए, ये अभी आप जब भी टेबल्स वगैरह में ईमेलर वगैरह बनाओगे तभी आपको इनलाइन स्टाइल देना पड़ता है बहुत सारी बार। तो चलो इसका बैकग्राउंड कलर मैं लिख लेता हूँ, BACK आ गया, बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड कलर लिखा तो भी चलता है और सिर्फ बैकग्राउंड लिखा तो भी चलता है, तो चलो शॉर्ट में ही बैकग्राउंड लिख देते हैं। बैकग्राउंड क्या था हमारा, स्काई ब्लू, SKY। कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अगर गड़बड़ कर दोगे तो वहाँ पे आपका कलर दिखेगा नहीं और फिर आप सोचोगे कि कलर क्यों नहीं दिख रहा। हाँ, और मेन ये कंप्लीट होने के बाद स्टाइल इज इक्वल टू ये हो गया आपका प्रॉपर्टी, देन आपका वैल्यू होने के बाद आपको यहाँ पे सेमी कोलन देना है, यहाँ पे भी सेमी कोलन देना है, नहीं दिया तो भी चलता है लेकिन ये रूल है, ठीक है। तो मैं ये सेव कर रहा हूँ, अभी हमने ये आपके डॉक्यूमेंट में सेव किया है, ये कहाँ पे सेव हुआ है देखो, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। डॉक्यूमेंट में सेव होने के बाद मैं अभी इसको रिफ्रेश मारूंगा तो इंस्पेक्टर में कलर दिखाई देगा, आ गया, मैंने कुछ जादू नहीं किया, वहां पर मैंने सेव किया। अगर मैं यहां से निकाल देता हूँ ये रेड कलर, तो ये रेड कलर निकल जाएगा, और सेव मार रहा हूँ तो ये सिर्फ बैकग्राउंड हेडिंग का बैकग्राउंड दिखाई देगा, ठीक है। रिफ्रेश मार रहा हूँ चला गया, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी है। और आगे मैं आपको डीयू वगैरह बनाना सिखाऊंगा और रिस्पॉन्सिव भी सिखाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, लेकिन ये एकदम बेसिक और फ्रेशर लोगों के लिए है, जो कि क्लासेस में आप जाते हो, आपसे बहुत ज़्यादा आपको फीस अफोर्ड नहीं होता किसी किसी को, तो इसके लिए मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को इजी पड़ेगा, सिर्फ ऑनलाइन देख के भी आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे सीख लोगे। तो चलो मैं Ctrl Z मारता हूँ, Ctrl Z, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग दे दिया है और यहाँ पे वापस रेड कलर आ गया। तो यहीं पे मैं ये फर्स्ट ट्यूटोरियल कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इमेज वगैरह डालना सिखाता हूँ, इमेज, फिर इमेज को रिस्पॉन्सिव विड्थ वगैरह कैसे देते हैं वो सब आपको बताता हूँ, फिर ड्यू कैसे डालते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आपको मीन्स नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बताना है, ये भी बता देता हूँ, सीमेंटिक HTML क्या है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, बाद में बहुत सारे लोगों को आता नहीं है, मेरे फ्रेंड को पूछा था और उसको आया नहीं बेचारे को, तो उसको भगा दिया, ठीक है। HTML5 एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे सीधा आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे फ्रेंड को भी 4-5 साल का एक्सपीरियंस था लेकिन उसको हेडर फुटर पता था, ये हेडर, ये
ये फुटर, आर्टिकल, ये सब एचटीएमएल एंड सेक्शन, और एक असाइड करके भी रहता है, असाइड, ऐसा असाइड करके भी ये एक टैग है, ठीक है। तो ये सेक्शन कैसा है, सेक्शन आप लिखोगे ना तो सेक्शन ओपन, सेक्शन क्लोज, ऐसा होता है, क्लोज आपका ऐसे होता है, सब टैग वैसे ही क्लोज होते हैं, सिर्फ इमेज का टैग क्लोज नहीं होता। देखो आप देखोगे तो देखो बॉडी टैग भी ओपन हुआ है और ऐसे क्लोज हुआ है, वैसे ये टैग भी सब ऐसे क्लोज होते हैं। तो वो सब जाने दो, मेन ये है कि HTML5 में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहता है कि न्यू व्हाट इज सीमेंटिक HTML। तो सीमेंटिक HTML मींस जो HTML5 है, जो ये प्रॉपर्टीज दे रहा है ना, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, असाइड, असाइड मतलब आपके ये कैसे बताओ, असाइड मतलब आपके राइट साइड में पूरा आ जाएगा, राइट है तो लेफ्ट साइड में, जो हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट पे फिल्टर सेक्शन वगैरह रहता है ना, राइट या लेफ्ट साइड में पूरा बार रहता है, तो वो आ गया आपका असाइड। तो न्यू सीमेंटिक एलिमेंट्स HTML5, द मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यू HTML5 एलिमेंट्स आर न्यू सीमेंटिक एलिमेंट्स लाइक हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन। फिर न्यू एट्रीब्यूट्स लाइक नंबर, डेट, टाइम, कैलेंडर एंड रेंज, ये इसके न्यू एट्रीब्यूट्स हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में सब नहीं बता रहा एक साथ। फिर न्यू ग्राफिक एलिमेंट्स, इसमें आप SVG और कैनवास यूज कर सकते हो। SVG मीन्स स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, SVG का फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना, वेक्टर ग्राफिक। और जो आपका ये कैनवास है, ये कैनवास में आपका एकदम हाई क्वालिटी का एनिमेशन वगैरह होता है, JSBS में जो एनिमेशन करते हैं वो कैनवास में होता है, वो हम लोग इतना नहीं करते, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कहीं से प्लगइन लेके थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके आप कर सकते हो वो। ये हो गया। फिर बाद में HTML5 में ना ऑडियो वीडियो टैग्स सपोर्ट करने लगे, तो HTML5 में जो ऑडियो है, ऑडियो आपको MP3 और OGG करके ऑडियो है, ये टैग सपोर्ट करेंगे। और वीडियो में आपको दो तरीके के वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं ब्राउज़र में, ब्राउज़र सपोर्ट के हिसाब से। तो आपको वो एक वेब एम करके है, डॉट वेब एम आपका एक्सटेंशन आ जाता है, ये भी डॉट डॉट OGG आ जाता है आपका, और फिर ये हाथ और डॉट MP3। वैसे जैसे आप इमेज को देते हैं ना डॉट JPG, जैसे डॉट PDF, डॉट वर्ड, डॉट एक्सेल करके फॉर्मेट रहता है अपना वैसा, और वेबएम और MP4, ये हो गया वीडियो। ये दो तरह के वीडियो टाइप ब्राउजर सपोर्ट करता है, तो ये दोनों आपको डालना पड़ता है तभी आपका वीडियो शो हो जाएगा, क्योंकि कुछ ब्राउजर में MP4 बताएगा, कुछ ब्राउजर में वेबएम बताएगा, अगर कुछ चला नहीं तो आप क्या करोगे। इसके लिए आपको दोनों तरीके के वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे रुका देते हैं ये वीडियो, नहीं तो आप बोर हो जाओगे एक ट्यूटोरियल में इतना सारा पढ़ के। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।